हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या आप भी परेशान हैं इस प्रॉब्लम से जो आज मैं फेस कर रहा हूँ? यूट्यूब चैनल आपने बना लिया पर व्यूज नहीं आते, बिल्कुल जीरो। मेरे साथ भी ऐसा कभी हुआ था, मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान था इस चीज़ को लेकर, पर आज मैं नहीं हूँ क्योंकि आज मुझे पता चल गया है यूट्यूब का एल्गोरिज्म क्या है। तो दोस्तों, आप भी ये जान सकते हैं, बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था तो मेरी वीडियो पे जरा से भी व्यूज नहीं आते थे, एक या दो, कुछ भी नहीं आता था, बिल्कुल जीरो। इवन तो कई बार ऐसे हुआ कि दो दो तीन तीन दिन वीडियो डली रही, एक भी व्यूज नहीं आया। एक व्यूज आता था मेरी फैमिली का फ़ोन होता था, उससे मैं देखता था बस, और कोई व्यूज नहीं आते थे। तो मुझे पता चला इसकी आखिर में प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों, आज मैं वही प्रॉब्लम आप सबके सामने लेकर आ रहा हूँ जिसमें मैंने वीडियो बनाई है, ताकि आपको आगे ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। क्योंकि मैंने भी यूट्यूब पे बहुत बार सर्च किया था कि ये प्रॉब्लम का हल उसका कैसे करें, तो सब लेके आ जाते थे, कोई नई वीडियो, कोई नई बता रहा, कोई डीपली नहीं बता पाया मुझे आज तक। डीपली कहीं कि मैं कोई दूसरे फंक्शन होते थे, मेरे भी दूसरे फंक्शन आ रहे, मैं कहीं तो आ ही नहीं रहा, कैसे आएगा। मैं आज दोस्तों आपको डीपली एकदम समझाने जा रहा हूँ कि कैसे हम अपनी जो YouTube का चैनल है उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, कोई सेटिंग अगर गलत है तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, ताकि YouTube हमारी वीडियो को वायरल करे, हमारी वीडियो को पहले नंबर पर रैंक करें। वो कैसे करेंगे आज हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ, लेके चलता हूँ मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, दिखाने जाऊँगा कि आपको मैं कि कैसे हम प्रॉब्लम अपनी फेस करते हैं और कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो लेके चलता हूँ मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर दोस्तों, आप बने रहिएगा। तो यहाँ पे हमने सर्च करना है YouTube स्टूडियो। दोस्तों YouTube स्टूडियो हमने सर्च कर दिया, यहाँ पे पहले नंबर पे जो आ रहा है YouTube, हमें इसको क्लिक करना है। और दोस्तों, आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आए आप प्लीज कमेंट जरूर करके बताना, ताकि मैं उस पे उसके ऊपर एक वीडियो बना सकूँ आपको अच्छी तरह समझाने के लिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है दोस्तों, तो बेझिझक आप कमेंट करिए, मैं सबका कमेंट का रिप्लाई दूंगा और उस टॉपिक के ऊपर मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में। तो दोस्तों, हम आ गए हैं अपने चैनल डैशबोर्ड पे। YouTube स्टूडियो खुलने के बाद आपको भी कुछ ऐसे ही ओपन कर लेना है। आप देख सकते हैं ये मेरा चैनल है, मैंने न्यू चैनल बनाया। तो हम सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे सेटिंग में, सेटिंग का ऑप्शन आपको नीचे दिखाई दे रहा है, तो सेटिंग पे हम जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद आप जनरल में देख सकते हो डिफॉल्ट यूनिट। अगर आपकी कंट्री, आपकी जो करेंसी है, आपको यूट्यूब से पेमेंट कौन सी करेंसी में लेनी है, इंडियन रुपीस में लेनी है या यूएसए में लेनी है, तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल हम यूएसडी ही रहने देते हैं, यूएसडी डॉलर में हमें चाहिए। हम फिर जाएंगे चैनल में। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है, आप इसको जरूर देखिएगा ध्यान से, बिना स्किप किए वीडियो को। आप यहाँ पे पहले नंबर पे देख सकते हैं बेसिक इन्फो। बेसिक इन्फो में अगर आपके यहाँ इंडिया नहीं है तो आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है, और नीचे लिखा है कीवर्ड्स। दोस्तों, ये बहुत जरूरी है YouTube के लिए, ताकि YouTube आपकी वीडियो को रैंक कर सके। जब तक आप अपने कीवर्ड को सही तरीके से नहीं डालेंगे तो YouTube आपकी वीडियो को रैंक नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपकी कीवर्ड ही गलत है। आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी है, ये वो चीज़ है। अगर आप मेल, आप सपोज कीजिए आप ब्लॉगर हैं, आप ब्लॉग करते हैं किसी, आप हिमाचल में ब्लॉग करें, नैनीताल में, आप उत्तराखंड में नैनीताल में ब्लॉग कर रहे हैं, तो आपको नैनीताल का कीवर्ड यहाँ पे डालना पड़ेगा, उत्तराखंड के साथ, उत्तराखंड फिर नैनीताल आपको डालना पड़ेगा। हिमाचल में शिमला में है तो आपको शिमला का डालना पड़ेगा। आप फोन का कंपैरिजन करते हो तो आपको कंपैरिजन मोबाइल, आपको उसमें कीवर्ड डालना पड़ेगा, ताकि यूट्यूब आपकी वीडियो को रैंक कर सके। तो कीवर्ड में हम गए, हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप चाहे तो इन सबको कॉपी भी कर सकते हैं जो मेरी वीडियो में है, आप इनको देख के पोस्ट करके वीडियो लिख सकते हैं सेम है, क्योंकि हमें इन टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी है, ब्लॉग भी बनानी है हमने, गो यूट्यूब चैनल, माई स्टूडियो, डिजिटल, आप सबको इसके ऊपर हमने बनानी है, तो हमने इसको कर रखा है। तो अब हम जाएंगे एडवांस सेटिंग में। एडवांस सेटिंग में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, इसमें आप पहले नंबर दे सकते हैं डू यू वांट टू सेट योर चैनल एज मेड फॉर किड्स, मतलब आप जो वीडियो बना रहे हैं वो किड्स के लिए है, बच्चों के लिए, 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए है, तो यूट्यूब वीडियो आपकी वीडियो 18 साल के कम बच्चों के साथ उनको दिखाएगा। फिलहाल दोस्तों, मैंने यहाँ पे नो सेट कर रखा है, क्योंकि बीच वाला करके नो सेट दिस चैनल एज नॉट किड मेड फॉर किड्स, क्योंकि मेरे को ये बच्चों के लिए नहीं चाहिए वीडियो, ये 18 साल से बड़ी उम्र के लिए वीडियो है, तो हमने उनको ही दिखानी है, ये बच्चों को नहीं दिखानी। क्योंकि दोस्तों, बच्चों के पास तो ज्यादातर फोन होते तो है, पर वो होते अपने फैमिली वाले के आईडी पे है, मतलब अपनी मम्मी की आईडी पे, अपने पापा की आईडी पे है, तो इनके आईडी पे होते हैं, क्योंकि मम्मी पापा की उम्र तो बड़ी है ऑब्वियसली, क्योंकि बच्चे उन्हीं का फोन चला रहे हैं, तो ज्यादातर बच्चों की आईडी, बच्चों की कम उम्र में कोई ऐसी
आईडी नहीं बनी होती तो प्लीज आप भी 18 साल से ऊपर की सिलेक्ट कीजिएगा। नो सेट दिस चैनल नोट मेड फॉर किड्स, आप भी यही सिलेक्ट कीजिएगा क्योंकि जो बच्चे फोन चला रहे हैं वो भी बड़ों का ही है, उनकी आईडी जो जीमेल है वो बड़ों की ही है, तो ये उनके लिए है। सबकी वीडियो आपके पास आएगी दोस्तों, आपकी वीडियो सबके पास जाएगी। तो इसके नीचे हम आ जाते हैं, ऑटोमेटिक कैप्शन ये ऑप्शन है दोस्तों, डोंट शो पोर्टल इंफॉर्मेशन वर्ड्स। आप हाँ, आपको ये नहीं करना, आपको इसमें कोई वो नहीं करना, ये भी ऑप्शनल होता है एक तरह का, आपको फिलहाल उसको नहीं रहने दीजिए। डोंट शो पे आप बिल्कुल मत करना क्योंकि आपकी वीडियो पे शो नहीं करेगी। और एडवर्टीजमेंट डिसेबल एडवर्टीजमेंट तो बिल्कुल कभी मत करना क्योंकि ऑब्वियसली इसके ही पैसे मिलते हैं, जो एडवर्टीजमेंट देते हैं वो भी अलग से पैसे पे करते हैं। अलो यूज टू क्लिप माई कंटेंट, तो आप इसको जरूर अलो करना क्योंकि जिससे जो व्यूवर्स हैं आपके वो आपकी क्लिप को देख सकें, आपके जो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जो क्लिप होती है आपको देख सकें। आपकी वीडियो अगर सामने आती है तो ऑटोमेटिकली वो चलनी शुरू हो जाती है, आपकी व्यूज ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, तो आप इसको जरूर करना। आप इसके साथ मैनेज यूट्यूब अकाउंट में भी जा सकते हैं, इसमें भी कुछ ज्यादा खास तो नहीं है, बाकी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इसके साथ आप जा सकते हैं व्यू एडवांस सेटिंग में, व्यू एडवांस सेटिंग में जाके आपको एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें दिखाई देगी, यूजर आईडी। ये आपकी यूट्यूब की यूजर आईडी है दोस्तों, अगर आपके यूट्यूब पे चैनल हैक कर लेता है कोई, या आपका कुछ इसमें बंद हो जाता है यूट्यूब की तरफ से बंद हो जाता है, या कोई हैक कर लेता है कोई पासवर्ड या कुछ भी जीमेल आईडी में आपकी प्रॉब्लम हो जाती है जिससे आपका चैनल जो है वो हैक हो जाता है, वो चलना बंद हो जाता है, तो दोस्तों आप इस यूजर आईडी और चैनल आईडी का स्क्रीनशॉट जरूर लेकर रखना या कॉपी करके जरूर कहीं पेस्ट करके सेव करके रखना, ताकि बाद में अगर YouTube वाले आपसे पूछें कि आपका चैनल क्या था, आपका हैक हो गया तो आपकी आईडी क्या थी, तो आप बता सकें। हम वापस चल जाते हैं। तो उसके साथ साथ दोस्तों हम मैं आपको एक और बात इसमें दिखाना चाहूंगा, जो गूगल अकाउंट है व्यू यू चेंज योर गूगल अकाउंट, जो आपकी जीमेल आईडी है जिसपे आपका गूगल अकाउंट बना हुआ है, तो आप उसी पे गूगल आईडी पे बनाइएगा जिसपे आपने चैनल बनाया है। तो इस खास बात का आप जरूर ध्यान रखना दोस्तों, उसी के ऊपर बनाना जिस पे आपने वो बनाया है। तो हम फिर से एक बार चले जाएंगे सेटिंग में। हाँ, हम एक बार आ गए एडवांस सेटिंग में। एडवांस सेटिंग के बाद हम आएंगे फीचर इजिबिलिटी पे, स्टैंडर्ड फीचर्स पे आप इनेबल कर रखा है, इसको आपने सबको इनेबल कर लेना। अगर आपका फोन आपके अकाउंट से अपनी आपके जो चैनल है आपके चैनल से आपके जो अकाउंट है इसमें जीमेल का, उसमें आपका फोन अगर वाईफाई नहीं है चैनल में आपके YouTube स्टूडियो में, तो आप प्लीज वेरीफाई जरूर कर लेना क्योंकि इसके बिना YouTube आपकी वीडियो को नहीं दिखाएगा। ये देखिए मैंने आपको अपना ये मेरा इनेबल लिखा रहा है क्योंकि मैंने कर रखा है वैलिड आईडी वीडियो वेरिफिकेशन चैनल हिस्ट्री, क्योंकि मेरी वेरिफिकेशन जीमेल आईडी से हो चुकी है तो फिलहाल मैंने इसको कर चुका। अब इसके बाद मैं आपको अगली सेटिंग के बारे में बताना चाहूंगा दोस्तों। मैं एक बार फिर आपको कह रहा हूं कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए वीडियो से रिलेटेड, या वीडियो को समझ में नहीं आया आपको, या कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है, तो आप प्लीज जरूर मुझे भेज दीजिए, कमेंट जरूर करना। मैं आपसे फिर एक बार कह रहा हूँ, मैं हर उस कमेंट पे एक वीडियो जरूर लेके आऊंगा जिससे आपको डीपली समझ में आए। तो अपलोड डिफॉल्ट में जाके हम ये इसमें आपका बेसिक इन्फो एडवांस सेटिंग लिखा है, इसमें टाइटल लिखा और लिखा है डिस्क्रिप्शन, हम इसे जाके देखते हैं। विजिबिलिटी पब्लिक लिखा है और टैग्स लिखा है ये ब्लॉगर लवी और हिंदी, क्योंकि ये मेरे चैनल का नाम है ब्लॉगर लवी और मैं हिंदी में वीडियो बनाता हूँ हिंदी में, तो हम हिंदी में इसको हमने हिंदी सेलेक्ट करके टैग में, आप भी प्लीज यही सेलेक्ट करना दोस्तों, क्योंकि टैग सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है आजकल के कंपटीशन के जमाने में, क्योंकि पहले जो लोग वीडियो बनाते थे तो वो ऐसे डाल देते ऐसे उनकी दिख जाती थी, क्योंकि उस टाइम इतना कॉम्पिटिशन नहीं था, कोई इस चीज की तरफ ध्यान नहीं देता, तो आज बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है, तो टैग जाना बहुत ही जरूरी है। तो आप टाइटल दे सकते हो, डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना जो है डिफॉल्ट सेट है मेरा, जब भी मैं कोई वीडियो डालता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट में यही चला जाता है। और टाइटल्स में आप देखते हैं जो भी आप लिख सकते हैं, या अपना चैनल का नाम लिख सकते हैं, या आप अपनी आईडी इंस्टाग्राम आईडी लिख सकते हैं, आप इंस्टाग्राम आईडी अपनी लिख सकते हैं, कुछ भी आप जो लिखना चाहें। मेरे इंस्टाग्राम आईडी इट्स लवी के नाम से है, आप यही फोटो जो चैनल में लग रही है आप प्लीज फॉलो जरूर कर लेना। तो ये आईडी आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप यहाँ से कर लीजिए एडवांस सेटिंग में। एडवांस सेटिंग में दोस्तों जाना बहुत ही ज्यादा आपको इसमें सेटिंग जो है ये जरूरी है, क्योंकि लाइसेंस आपको लिखा नजर आया स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस,
क्रिएटिव कॉमन्स, क्रिएटिव कॉमन्स अगर आपका है तो उसको हटा दीजिए, क्योंकि आपके चैनल को कौन हैंडल कर रहा है, ये आप हैंडल कर रहे हैं, आप दूसरे व्यूअर्स को अपना चैनल हैंडल करना नहीं दे सकते, या आप किसी साथ वाले को, अपना जो कोई फ्रेंड या आपका दोस्त है आप उसको, या अपने कोई अपने आपका भाई या अपनी आपकी मम्मी आपके पापा, आप उसको उनको चैनल अपना मेंटेन करने के लिए देना चाहते हैं तो ऐसा करके दे सकते हैं, वो अपने फोन से भी आपका चैनल मेंटेन कर सकते हैं आपकी जीमेल आईडी खोल के। तो फिलहाल मैं यही चाहूंगा कि आप स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस से लिखिए ताकि आप ही हैंडल कर सकें और कोई नहीं। कैटेगरी में आप देख सकते हैं, कैटेगरी में लिखा है जिस टॉपिक पे आप वीडियो बनाते हैं, ऑटो एंड व्हीकल्स, कॉमेडी, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, फिल्म एंड एनिमेशन, गेमिंग, म्यूजिक, किस टॉपिक पे आप वीडियो बना रहे हैं। मैंने फिलहाल पीपल एंड ब्लॉग पे लिखा है। आप इसमें आता है नीचे लैंग्वेज एंड कैप्शन वेरिफिकेशन सर्टिफिकेशन। वीडियो लैंग्वेज में आपको हिंदी सेलेक्ट करना, क्योंकि अगर आप हिंदी में वीडियो बनाते हो तो हिंदी में सेलेक्ट करना। कैप्शन सर्टिफिकेट में आप नॉन ही रखना, इसमें कुछ मत करना। इसमें लिखा है दिस कंटेंट हैज नेवर अराइव्ड ऑन टेलीविजन इन यूएसए। आप यूएसए में आपकी वीडियो देखी जाए कि नहीं देखी जाए, तो इन चीजों को आप बंद ही रख लीजिए, इनमें आप नॉन ही रखिएगा क्योंकि हमने सबको दिखानी है। डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज में टाइटल डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज आपकी क्या लैंग्वेज है आप वो सेलेक्ट कर लीजिए। इसमें हमारी हिंदी है तो हम हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे। कमेंट अलो ऑल कमेंट्स होल्ड पोटेंशियली इनअप्रोप्रिएट, मतलब जो आपके जो इंपॉर्टेंट कमेंट है इसमें कमेंट ऑफ रिव्यू, जो आपके इंपॉर्टेंट कमेंट है जिसको आप रोकने के होल्ड करने के बाद आप उसको रिप्लाई करना चाहते हैं तो आप उसको कर सकते हैं। इसमें नीचे जो इंक्रीज टिकन स्ट्राइक नेक्स है जो आप इसको ऑन कर लीजिए। शो हाउ मैनी व्यूअर्स लाइक दिस वीडियो, आपको कितने व्यूअर आपकी वीडियो को शो करते हैं, आपको ये वीडियो नजर आए तो इसके लिए आप ऑन कर सकते हैं, नहीं तो आप उसको ऑफ भी कर सकते हैं। मतलब ये है कि आपकी वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो लोग देखना चाहें कि भाई कितने व्यूज आए हैं इसकी वीडियो पे। अभी फिलहाल आपने न्यू यूट्यूब चैनल शुरू किया तो आप प्लीज इसको बंद कर दीजिए। आपकी वीडियो किस किसने लाइक की आप ये इसमें वो भी शो करेगा। तो फिलहाल अगर आप इसको ऑन करना चाहते हैं ऑन भी कर सकते हैं, नहीं तो आप बंद भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको अभी बंद कर दे रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी को शो हो। तो हमने चैनल कर दिया थोड़ी सेटिंग, एक दो और इम्पोर्टेंट सेटिंग है दोस्तों, मैं आपको वो बताना चाहूंगा। इसके बाद हम आते हैं परमिशन पे। परमिशन ये मेरी जीमेल आईडी है लवी शर्मा, आप इसको देख सकते हैं। आप इसको चाहे तो आप भी ऐसे अपनी परमिशन जरूर अपनी ईमेल आईडी से दे दीजिए, क्योंकि आपके चैनल में पर बहुत इसमें यूट्यूब पे असर पड़ता है। और हाँ, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात और बताना जा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप अपने चैनल का लिंक खुद अपने फोन से अपने जिसमें आपका फोन में आप जिसमें अपना आप अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं उसमें अगर आप अपने चैनल का लिंक खुद ही शेयर करते हैं लोगों से व्हाट्सएप पे मैसेज में, तो दोस्तों प्लीज बंद कर दीजिएगा। और दूसरी वीडियो पे आप देख सकते हैं उनके कमेंट में कई लोगों ने अपने उसमें अपने चैनल का लिंक दिया होता है कि सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों यूट्यूब पे बहुत ज्यादा इंप्रेशन बहुत ज्यादा खराब पड़ेगा यूट्यूब की तरफ से, आप बैन भी हो सकते हो या आपको कोई भी आगे कोई भी मदद नहीं मिलेगा यूट्यूब की तरफ से, आप बस वीडियो डालते जाओ। आप ऐसा बिल्कुल मत करना, खुद ही आपका चैनल चलेगा दोस्तों, बस कंटेंट अपना अच्छा रखना। कम्युनिटी में जाके आप ऑटो फिल्टर में देख सकते हैं आप, इसमें तो आप कुछ मत कीजिएगा। बस लास्ट में आपको ये बताना चाहूंगा, आप चैनल आई सब्सक्राइब टू कैन रेडिरेक्ट टू माई कंटेंट, आप इसको जरूर कर लेना, क्योंकि जो चैनल आपके जो जिस चैनल में आपको जिस मतलब जिसने भी आपको सब्सक्राइब किया जिस चैनल ने आपको सब्सक्राइब किया है वो चैनल भी आपकी वीडियो मतलब बार बार देख सके, आपको आपकी वीडियो को वो रिएक्ट कर रहा है कि भाई हाँ वीडियो अच्छी है, रिएक्ट होता है एक तरह से रीच भी बोल सकते हैं आप। ये आपका बाकी ऑटोमेटिकली रहेगा, आप इसमें छेड़छाड़ मत कीजिएगा। एग्रीमेंट पे जाते हैं दोस्तों, एग्रीमेंट पे अभी हमारा कुछ शो नहीं हो रहा क्योंकि अभी हमारा 100 सब्सक्राइबर पूरे नहीं हुए, क्योंकि ये 100 सब्सक्राइबर 100 सब्सक्राइबर जब आपके पूरे हो जाएंगे तो ये आपके काफी फीचर इसमें ऑन हो जाएंगे। तो दोस्तों फिलहाल हम इसको कर देते हैं बैक।
क्योंकि हमने अपनी इंपोर्टेंट सेटिंग पूरी कर ली है। और दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और आप इसमें कॉपीराइट दे सकते हैं। मैं आपको छोटी छोटी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट चीज बता सकता हूँ, कॉपीराइट में आप दे सकते हैं रिमूवल रिक्वेस्ट। अगर आपकी आपने किसी का कंटेंट चोरी किया है, किसी का कुछ आपने गाना चोरी करके अपने वीडियो पे लगाया है, अगर आप यूट्यूब आपको कॉपीराइट दे देता है तो आप उसको यहाँ पे उनकी रिक्वेस्ट को रिप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट में पढ़ सकते हैं आप किस किसी ने आपको कमेंट किया है, आप कमेंट अपने जान सकते हैं। देखिए इतने कमेंट आए हैं तो आप कमेंट भी देख सकते हैं। सबटाइटल आपकी वीडियो को सबटाइटल आपने क्या क्या दिया है वो आप उसमें पता चल सकता है। हमारी अब वीडियो को कोई सबटाइटल नहीं है, देखिए आप ही जोरों शोर है, आप कर्सर देख सकते हैं। मोनेटाइजेशन आप को सब पता होगी, ओबियसली लोग इसी के पीछे मेन आते हैं क्योंकि पैसा इसी की मदद से मिलता है। ग्रो विद यूट्यूब आप देख सकते हैं, इसमें हमें 1000 तो सब्सक्राइबर रिक्वायर्ड है और 4000 घंटे का वॉच टाइम, अभी हमारा इतना नहीं हुआ है। 4000 घंटे का वॉच टाइम, लोग आपको बोल देते हैं कि 4000 वीडियो में पता चलता है कि 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा आज इसमें बहुत बेसिक सी चीज, 4000 घंटे का वॉच टाइम नहीं होता एक्चुअली, 4000 लोगों का वॉच टाइम होता है। क्योंकि इसमें देख सकते हैं नो पब्लिक 9 पब्लिक वॉच हॉर्स, नो पब्लिक ने, नो लोगों ने एक एक घंटे की वीडियो देखी है, नौ वीडियो ने मतलब 9 घंटे की वीडियो हो चुकी है 9 लोगों की मदद से। इसमें 4000 घंटे की मदद से आपको 4000 घंटे 4000 लोग देखने चाहिए। क्योंकि सीधा उदाहरण दूं मैं आपको, इसका 1 मिलियन लोग आपकी वीडियो को देखने, आपकी कोई एक भी वीडियो वायरल हो जाए दोस्तों तो आपका मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा।